खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। Oh, a lot of champagne here. यही बालकनी थी? आज से 36 साल पहले का ये मोमेंट बहुत याद है। हजारों लोग खड़े हुए थे नीचे। कैसा लग रहा है दोबारा ट्रॉफी हाथ में? 1983 इंडिया, बहुत अच्छा लग रहा है। इसी कप ने हिंदुस्तान को जीतने की आदत लगाई, इसी कपिल देव ने हमको क्रिकेट जीतना सिखाया। जीते तो हम तो थे, जीतना सिखाया। मैंने नहीं, हमारी टीम ने। बहुत अच्छा लग रहा है। हैवी, क्वाइट हैवी। क्वाइट हैवी? हाँ, उस समय नहीं लगती थी, आज हैवी लग रही है। उस समय लगता था हाँ एक ट्रॉफी है, लेकिन इसका वजन बढ़ गया है। लॉर्ड्स के बारे में मैं क्या कहूं? यहां मेरी बहुत बड़ी यादें हैं। इस बालकनी पर मैंने ट्रॉफी उठाई। गली क्रिकेट से होम ऑफ क्रिकेट, यहां पर हम चैंपियन बने थे। मैं हूं कपिल देव और ये मेरी छोटी सी कहानी लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जिसको क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, आज एबीपी न्यूज का कारवां विराट कप की इस कवरेज में लॉर्ड्स तक आ गया है। ये वो ग्राउंड है जहां पर भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाई थी। आज जिम्मेदारी इसी जगह, इसी मैदान में अब विराट की सेना के पास है। क्या विराट लॉर्ड्स के इस मैदान में अपना आखिरी फाइनल मैच खेलते हुए दुनिया के सबसे महानतम कप्तानों की सूची में विराट कोहली का नाम होगा, उस पर भी हम बात करेंगे। बुलाना चाहता हूँ मैं इस कवरेज में अपने, हमारे साथ कपिल देव खुद मौजूद हैं। नाइस, लॉर्ड्स में वापसी 36 साल के बाद, 36 साल पहले की वो बालकनी और 36 साल का एक ग्राउंड, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी तब्दीलियां आ गई हैं, लेकिन मैदान वैसा ही है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। खूबसूरत जगह, यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे उस मैच की कुछ बातें याद करना चाहूँगा, क्योंकि हम वो मैच देख देख के बड़े हुए हैं पाजी। हम लोग अगर क्रिकेट के फ़ैन हुए हैं तो 83 के बाद से हमने क्रिकेट देखना शुरू किया। 83 में आपने हमको 175 रन और उसके बाद ट्रॉफी दिखाकर ये कहा हम हिंदुस्तानियों को कि हम क्रिकेट में बादशाह बन सकते हैं। यही वो ग्राउंड था, एज इट इज़ था उस ज़माने में? हाँ, ग्राउंड ऐसा ही था, थोड़ा घास इससे भी ज़्यादा था, हरा था। टॉस हारने के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उनके पास, वेस्ट इंडीज़ के पास, चार खतरनाक गेंदबाज थे, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, गार्नर, मार्शल, और क्या टीम थी उनकी। और उसके बाद इतना हरा घास था कि हम समझ ही नहीं पाए, थोड़ा सा अपने आप से नाखुश थे कि क्या हुआ। और उसके बाद अगर अब मैं रिवाइंड करूं, या शाम हुई जब हम जीतने के बाद, हमने यही कहा कि अगर ऐसी पिच नहीं होती तो हमारे जीतने के चांसेस भी कम हो जाते, क्योंकि हमारे पास ऐसे गेंदबाज थे जो बॉल सीम कर सकते थे। हमें अपने बल्लेबाजों का डर था, लेकिन गेंदबाजों ने आकर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। पहला विकेट तो गिर गया, चलिए संधू ने अच्छी शुरुआत की। उसके बाद विवियन रिचर्ड्स मैदान पे आ गए, आपके लेजेंड, आपके हीरो, जिसको आप
खुद कहते हैं कि मेरे हीरो आप उनको मानते हैं, उन विवेन रिचर्ड्स ने आके शॉट्स मारने शुरू किए, चौका मारा, मेरे ख्याल से कहा छक्का मारने की भी कोशिश की उन्होंने, और फिर एक ऐसा मोमेंट आया उस दिन 25 जून 1983 को कि जब कपिल देव ने ऐसा कैच लिया जो शायद कपिल देव ने भी नहीं सोचा होगा। देखिए मैदान पे आया, कहाँ थे मुझे बताइए ना वो पूरा किस्सा। मैं मिड विकेट पर था और उससे ज़्यादा ये था कि शायद जैसा विवेन रिचर्ड खेल रहे थे हम मन ही मन में खुश भी हो रहे थे, क्योंकि जब आप एक एक ओवर में दो दो बाउंड्रीज मारते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं गेंदबाज के विकेट लेने के लिए। अगर वो आराम से इत्मीनान से खेलते तो शायद थोड़ा बेहतर हो सकता था, लेकिन जैसा उन्होंने शुरुआत की मानो कुछ ही गेंदों में वो 25-30 रन पे पहुंच गए और उसके बाद हुआ अच्छा लगता है। आप किस तरफ थे मिड विकेट, विकेट के इस तरफ थे या विकेट किस तरफ? विकेट के मैं जाऊंगा पीछे दिखाया जाए, बाएं तरफ थे थे और उन्होंने शॉट मारा और वो मुझे नहीं क्रेडिट मदन लाल को मिलना चाहिए, क्योंकि मदन लाल जी ने बोला कि मुझे एक ओवर और दे दो और मैंने कहा मदीपा, क्योंकि उससे पहले उनके दो ओवर में काफ़ी उनको रन गए थे, मैंने कहा मदीपा रन ज़्यादा नहीं, आप थोड़ा ब्रेक ले लो, आप हौसला देना चाहते हो अपनी टीम वाले को, प्लेयर्स को। तो मैंने बोला मदीपा को, मदीपा एक ही से नहीं कपिल पा आप मुझे गेंद दे दो, ये मेरे को अंडर एस्टिमेट करता है। तो कुछ चीज़ें जो होनी होती है वो हो जाती हैं और उसके बाद उन्होंने वो शॉट खेला। आप कम से कम 20 कदम पीछे दौड़े थे और पीछे दौड़ कर कैच लेना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल कामों में एक होता है किसी भी अच्छे फील्डर के लिए। जब कुछ होना था तो उसको रोका नहीं जा सकता, जो होना आपकी हम्बलनेस है सर। नहीं वो सही है कि हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी किस्मत थी, मैं उस समय वहाँ पर फील्डिंग कर रहा था, मोस्टली वहाँ पर मैं फील्डिंग बहुत कम करता था एज ए कैप्टन, मिड ऑन मिड ऑफ या स्लिप में था, लेकिन उस समय ऐसा आया कि मैं वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ, कैसे खड़ा हुआ ये मुझे याद। तो आपकी टीम में ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे थे, आप खुद थे, मदीप आजी थे, संदीप पाटिल बैट्समैन के तौर पर, कीर्ति आज़ाद उस टीम में हुआ करते थे, रोजर बिन्नी रन बना लिया करते हैं, मोहिंदर अमरनाथ, सैयद किरमानी, रवि शास्त्री, हाँ हमारे उस समय ऐसे थे कि सब बैटिंग बॉलिंग कर सकते थे। क्या क्या वर्ल्ड कप जैसे क्रूशल टूर्नामेंट्स में जो आपको लगता है कि इस तरह की बैलेंस टीम होनी बहुत ज़रूरी है और इस बार विराट की टीम में भी वो बैलेंस दिखाई दे रहा है? अच्छी टीम बनाई है। देखिए क्रिकेट का सबसे अच्छा है, हर एक प्लेयर की एक अपनी सोच है कि ये नहीं ये हो सकता था, लेकिन जब टीम बन जाती है उसके बाद हमें उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैं कहूँगा कि सेलेक्टर्स ने बड़ा सोच समझ के बनाई होगी और अगर वो प्लेयर अपने आप को सही तरह इस्तेमाल करेंगे तो शायद, मुझे डाउट नहीं है, आसान नहीं है, कहना बड़ा आसान है हम वर्ल्ड कप जीत जाएंगे, आसान नहीं है, लेकिन इस टीम के पास वो खम, वो ताकत, वो सब कुछ है जो एक टीम के पास होनी चाहिए और कप्तान इतना बढ़िया है और उसके सबसे ज़्यादा उससे उनके पास धोनी है जिनका अनुभव और जिनका एक्सपीरियंस जो वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। तो अगर ऐसे आपके पास प्लेयर हैं और फिर आपके पास हार्दिक पांडे है, कुलदीप है, चहल है, यंगस्टर है, शमी है, तो आप मिला जुला कर जब आप एक्सपीरियंस और यूथ जब आ जाते हैं तो चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। इस विकेट पे फाइनल खेलना है, मान लीजिए इंडिया टीम फाइनल खेल रही है, विराट की सेना यहाँ पहुँच गई है, इधर स्टेडियम की हाइट और इधर स्टेडियम की हाइट में करीब 2.5 मीटर का स्लोप है ऐसा बताया गया, जैसा आप बता रहे हैं, तो आपके हिसाब से इस ग्राउंड में टीम में क्या तीनों सीमर खेलेंगे फाइनल में? देखिए पिच के ऊपर है, आप कल भी पहले भी हम चर्चा कर रहे थे, सब कुछ डिपेंड करता है वेदर कैसा है, वेदर फोरकास्ट आजकल बहुत जल्दी पता चल जाती है, कैसे मैच खेले, कैसी पिच पर खेले, वो बहुत कुछ देखना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पर डिसाइड होगा कि आप दो स्पिनर्स के साथ जाना चाहते हो या दो स्पिनर या एक स्पिनर के साथ जाना चाहते हो, तो इसलिए बहुत कठिन है अभी कहना, लेकिन ये तो तय है कि
दो स्पिनर, दो सीमर तो डेफिनेटली खेलेंगे, तीसरा हार्दिक पांडे ऐसे जो तीन स्पिनर जरूर, शायद चार भी सीम बॉलर खेल सकते हैं यहाँ पर, तो इसलिए अभी मैं कुछ कहूँ तो वो सही। और अपोनेंट टीम भी देखनी पड़ेगी कौन है सामने, पाकिस्तान है कि ऑस्ट्रेलिया है कि साउथ अफ्रीका है। हाँ, अगर कोई भी आती है, इंग्लैंड आएगी या आप कोई भी ऑस्ट्रेलिया आएगी, तो शायद दोनों स्पिनर खेलने का दमरम रखते हैं। और उसके बाद आपके पास जडेजा भी है, कोई आसान नहीं होगा दूसरी ओपोनेंट टीम के लिए भी, लेकिन हमें सही समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो आपके वक्त पे टूर्नामेंट जो था 83 वर्ल्ड कप, वो 15-16 दिन का था, ये 45 से लगभग 50 दिन के आसपास का टूर्नामेंट होने वाला। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बिल्कुल। कि कभी कोई इंजरीज आ जाती है तो उसको मौका मिल जाता है प्लेयर को वापस रिवाइव होने का, तो ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि वर्ल्ड कप 4 साल के बाद आता है। अगर आपका मेन प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या कोई किसी टीम का भी, तो वो टूर्नामेंट में थोड़ी सी वो खलल सी आ जाती है। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था श्रीकांत साहब का, चीका का, वो ये कहते हैं कि हमको उस वक्त कहा गया था कि अगर आप ये जाके खेल लीजिए वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट में, तो 25,000 रुपये का इंसेंटिव मिलेगा। क्या इस तरह के इंसेंटिव, इस तरह के अनाउंसमेंट जो बोर्ड्स करते हैं या गवर्नमेंट्स करती हैं, ये प्लेयर को मोटिवेट करते हैं अच्छा करने के लिए? आजकल तो हालांकि पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में तो वाकई में आप लोगों को बहुत कम पैसे मिलते थे। नहीं, शायद जो हमारे समय 25,000 थे, आज 25 करोड़ हैं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, इंसेंटिव, रिवॉर्ड, अवार्ड, ये सब बाद का मायना होता है। जब आप वर्ल्ड कप में पहुंच जाते हो, आपका कोई मतलब नहीं होता कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। शायद उस समय जीतना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उससे, उसी के लिए तो आप क्रिकेट खेल रहे हो। तो रिवॉर्ड अवार्ड मैं इतना नहीं मानता उस समय। हाँ, पहले चर्चा हो सकती है, बाद में बातें हो सकती हैं, लेकिन कोई मायना नहीं है। अगर कोई यहाँ लॉर्ड्स में आए और बोलो कि फाइनल खेल रहे हो, आपको 100 करोड़ ज़्यादा मिलेगा, कोई परवाह नहीं करता उस समय। वो जीतने की एक थॉट प्रोसेस होता है। मुझे तो एक चीज़ और याद है, आजकल तो हडल होता है, प्लेयर्स आपस में खड़े हो जाते हैं, बातें करते हैं 12-15 लोग कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जब हडल होगी लॉर्ड्स में आके, तो विराट क्या बोलेंगे अपने सैनिकों को कि क्या करना है, मुझे क्या बात होती है? देखिए, मैं नहीं जानता आजकल ये क्या बात करते हैं। वही चर्चा होगी जो हम ड्रेसिंग रूम में करते थे, कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका रोल ये है, आपने ये इस तरह की करनी है, और क्या हम फोकस कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा होता है कि फोकस करना उस समय, क्योंकि आपका ध्यान बहुत जल्दी भटक जाता है। क्या आप फोकस कर सकते हैं 3-3.5 घंटे बैटिंग करते हुए, बॉलिंग करते हुए? और छोटा छोटा टारगेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नहीं कह सकता 7 घंटे मैं बिल्कुल गेम में फोकस रहेगा। ये बहुत कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो वो छोटा छोटा टारगेट होता है आपके जहन में, उसको लाना और कहेंगे कि आगे आधा घंटा क्या हम फोकस कर सकते हैं, ये हमारा प्लान है। इस तरह की चर्चा होती होंगी आजकल के ज़माने में। आपको लगता है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा एज है इस बार वर्ल्ड कप में? और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान की टीम लंदन में 2 महीने से है, वो खेल रही है, यहाँ पर टूर्नामेंट खेल रही है, वनडे खेल रही है, और इंडिया की टीम एंड मौके पर आई है। तो आपको लगता है कि इसमें पाकिस्तान कहीं ना कहीं एडवांटेज लेके चला जाएगा? देखिए, फ़ायदा भी है, नुकसान भी हो सकता है। नुकसान क्यों? नुकसान ये हो सकता है कि कोई मेन प्लेयर फॉर्म में है, वो नहीं आया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए दोनों तरफ है, 50-50 है। और जो आउट ऑफ फॉर्म है, वो प्लेयर फॉर्म में भी आ सकता है। अगर आप इंग्लैंड के विरुद्ध 5 मैच खेल रहे हैं और अगर हार जाते हैं, तो मनोबल गिर जाता है। तो ये सब चीज़ें 50-50 है। मैं ये नहीं मानता कि फ़ायदा है नुकसान है। मैं ये कहूँगा कि हाँ, कंडीशन को भाप लेना थोड़ा बेहतर ही होगा, नुकसान कम होगा। कपिल पाजी के साथ उस पवेलियन में भी जाएंगे जहां पर इंडियन टीम बैठी हुई थी, और जब 183 का टारगेट करके लौट कर आए थे, तो क्या हुआ जीतने के बाद, वहां क्या हुआ, ये तमाम किस्से हैं। कपिल पाजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस पूरे कवरेज के दौरान। और एक बात और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आपको ये कब लगा था कि अब ये वर्ल्ड कप हम जीत सकते हैं? उस मैच के दौरान जब आपने रिजल्ट्स का कैश ले लिया था तब, या जब आखिर में, कब एहसास हुआ कि ये कप हमारा हो गया है? जब मोहिंद्र अमरनाथ ने माइकल होल्डिंग को LBW किया था। क्रिकेट में आप कह सकते हैं, जब तक आपने आखिरी विकेट नहीं ली, आप मैच नहीं जीते। आखिरी रन नहीं बनाया, आप मैच नहीं जीते, क्योंकि आपके जहन में वो
गेम के अंदर इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। देखा है कि लास्ट विकेट भी 40-40 रन बना चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं। तो हाँ, हर एक पड़ाव बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन जब महेंद्र अमरनाथ ने वो LBW किया उसके बाद वो दृश्य अभी भी मेरे जहन में, भागे वहाँ से सीधा ड्रेसिंग रूम की तरफ, क्योंकि आप अपने लोगों के पास आना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, वो खुशी का एहसास दिखाना चाहते हैं। और आप जब लौट के वापस आए तो मुझे पता लगा कि आपकी फैमिली जो यहाँ पे थी वो शायद मैच बीच में छोड़ के चले गए थे शॉपिंग करने। मेरी वाइफ थी, मदन लाल की वाइफ थी, शॉपिंग नहीं करने गए थे, वो चले गए थे, क्योंकि जब विवेन रिचर्ड ने रन बनाने शुरू किए और जो आपके करीबी है वो चाहते नहीं कि आप मैच हारे, और उनको बड़ा दुख हो रहा था कि, और वेस्ट इंडीज़ क्राउड और हमारे जो फैमिली थी वो बड़े पास पास बैठे हुए थे उस समय जब विवेन रिचर्ड ने रन बनाने शुरू किए, तो मानो पूरा वेस्ट इंडीज़ क्राउड उनके सर के ऊपर था। तो उनसे वो जहन में लिया नहीं गया कि यार ये क्या हो रहा है, तो उनको इतना गुस्सा आया तो वो चले गए। और जब यहाँ से अगर सिर्फ कैमरा पीछे, वो कॉर्नर तक है, सिर्फ 8 मिनट का वॉक है, 8 मिनट में या 10 मिनट में गेम तब्दील हो गई। वो अपने होटल के कमरे में पहुँचे, बहुत आवाज़ें आ रही थी, और जब उन्होंने टीवी ऑन किया तो देखा कि एक की जगह 5 आउट हो गए हैं, तो फिर वो वापस भी नहीं आ सके। तो उनको इस चीज़ का दुख है उनके जहन में, दे फील बैड, बट आई थिंक कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। और मुझे तो याद है कि जैसे ही आपने माइकल होल्डिंग का विकेट गिरा, हमने तो क्लिप्स देखी हैं बाद में, पूरा का पूरा भीड़ अंदर दौड़ते हुए आया और आप सब दौड़ रहे हैं, महेंद्र अमरनाथ का फुटेज वो है दौड़ते हुए बाहर जाते हुए, आप सबका क्लिप हमने देखा है। महेंद्र अमरनाथ जब उन्होंने आउट किया और उनका चेहरा अगर आप फुटेज देखें, इतनी खुशी थी, और भागते हुए सीधा, अब जीते हो खुश होना चाहिए, लेकिन खुशी से ज़्यादा थी कि अपने ड्रेसिंग रूम में हम जल्दी से जल्दी पहुँच जाएँ। पाजी, इस बार के वर्ल्ड कप पे लेके आना चाहूँगा, हमने 83 की बहुत बात की, अब आज की दुनिया के बारे में बात करें, आपको लगता है कि भारतीय टीम में इस वक्त टॉस जीतकर क्या करना चाहिए, मैक्सिमम टाइम पे चेस करना ठीक रहेगा या कैसे, आप बताना चाहेंगे? देखिए, बढ़िया मैचेस में ये अक्सर आया कि आप रन बना लीजिए, दूसरे टीम के ऊपर प्रेशर डालिए, लेकिन हमारी टीम इतनी बेहतर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको चेस करना भी आता है। अब तो गेंदबाजी इतनी बेहतर हो गई है, शायद पुराने ज़माने में हमारी गेंदबाजी इतनी बेहतर नहीं थी। अब बुमराह जैसा गेंदबाज है, चहल है, आपके पास कुलदीप है, भुवनेश्वर है, शमी है, जडेजा है, तो आपके पास गेंदबाज ऐसे हैं जिनको बहुत अनुभव है, और बुमराह जैसा गेंदबाज हो तो आपको थोड़ा सा हौसला और बढ़ जाता है। तो इसलिए अगर आज आपको चेज करना पड़े तो भी ठीक है, डिफेंड करना पड़े तो भी आपके पास टीम है, गेंदबाज हैं। आपको लगता है कि इस 15 में से जो विराट के टीम है, दिनेश कार्तिक हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, विजय शंकर हो गए, इनको मौका मिल पाएगा इस वर्ल्ड कप में? क्यों नहीं, आप ऐसा क्यों हम सोचते हैं कि सिर्फ कुछ ही प्लेयरों को मौका मिलेगा? हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, जब मौका आएगा, सिचुएशन आएगी, अगर आपको खिलाना है तो बड़ा प्लेयर भी बाहर बैठ सकता है। जैसे मैंने पहले भी चर्चा की, हमारा जब मैच था, दिलीप इंसाक, रवि शास्त्री दोनों नहीं खेल पाए, ऐसा नहीं था कि वो किसी से कम प्लेयर थे, अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिलीप इंसाकर से बेहतर कोई नहीं खेला इस ग्राउंड में। बिल्कुल, अगले 85 वर्ल्ड चैंपियन में रवि शास्त्री चैंपियन ऑफ चैंपियन बने, ऑडी मिला था। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप सिर्फ वही है, आप उस समय आप किसके विरुद्ध खेल रहे हो, कैसी टीम है, और किस तरह आपका जो टीम पिकअप है वो डिपेंड करती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ कहें कि कुछ लड़कों को मौका नहीं मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। भाजी, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी, मेरा सेल्फी मोमेंट मैं करना चाहता हूँ आपके साथ। जी, मैं आपका फ़ैन रहा हूँ, हम लॉर्ड्स पे एक साथ खड़े हैं, और ये मौका मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा दोबारा, इस मोमेंट को ज़रूर मैं अपने फ़ोन में सेल्फी के साथ कैप्चर करना चाहता हूँ। ज़रूर मिलेगा, ऐसा क्यों है, क्यों नहीं मिलेगा। हम इधर आ जाएँ, आपकी बालकनी दिखा दीजिए, फेमस लॉर्ड्स बालकनी। थैंक यू पाजी। थैंक यू, आई होप आपको अच्छा लगा ये कवरेज। बहुत अच्छा लगा, वापस आके अच्छा लगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा इन चीज़ों को ताज़ा करें, और शायद इन तस्वीरों को देख के विराट और विराट की जो टीम है वो मोटिवेट हो और कोशिश करें कि हिंदुस्तान को इंग्लैंड में दोबारा और टोटली तीसरी बार वर्ल्ड कप हम लोग जीत सकें। ज़रूर।
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।